सोलन में स्पेशल ओलंपिक द्वारा खेलो इंडिया के तहत विशेष बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आए विशेष बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और विभिन्न तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सोलन में आयोजित एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में करीब 70 बच्चों ने भाग लिया, अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को आश्चर्यचकित भी किया। प्रतिभागियों ने ये साबित कर दिया कि चाहे वे अक्षम हो, लेकिन वे अपने को अक्षम नहीं समझते हैं और उनमें आम बच्चों की तरह प्रतिस्पर्धा की भावना है। वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष ऋषिमधर सूद ने बताया कि इस प्रतियोगिता का सोलन में जिला स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भर से आए विशेष बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी विजयी रहेगा, वे राज्य स्तर पर जिला बिलासपुर में आगामी माह होने वाली प्रतियोगिता में खेलने का उसे मौका मिलेगा। खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स के तहत ऑल डिसेबल्ड की जो डिस्ट्रिक्ट गेम्स हैं वो सोलन में की जा रही हैं। 50 यूनिफाइड प्लेयर्स जो हैं उन्होंने आज हमारे एथलीट्स के साथ खेला, जो एक अपने में बड़ा अच्छा सा अनुभव है। जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स जब होती है तो उसमें नॉर्मल एथलीट्स जो हैं वो हमारे दिव्यांग एथलीट्स के साथ खेलते हैं। तो ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो मिनिस्ट्री ने ये कदम उठाया है कि इसमें ऑल डिसेबल्ड को भी डाला है, ये मैं यूथ स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री का सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऑल डिसेबल्ड के बारे में भी इसके बारे में विचार किया। इसके बाद हमारी जो स्टेट गेम्स हैं वो बिलासपुर में हैं और उसके बाद नेशनल होगी और उसके बाद इंटरनेशनल के लिए ये बच्चे जो हैं वो चयनित किए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सोलन का प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत सारे खिलाड़ी करेंगे और अवश्य ही वो मेडल्स जीत कर आएंगे।